नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्नैक प्लांट पीके। हम आए हुए अभी खेत में। किसान भाई ने हमें बुलाया है कि यहाँ स्नैक आया हुआ है, तो हम अभी चलो देखते हैं कौन सा स्नैक है। किसान भाइयों, थोड़ा संभल कर जब भी खेतों में पानी या फसल को काटने जाते हो तो संभाल के काटना, क्योंकि इस पीरियड में कहीं पे भी कौन सा भी सांप मिल जाता है तो कुछ काम करते वक्त आपको कौन सा भी सांप डस ना जाए। तो संभल कर और इधर उधर देखकर काम किया करो। ये तो कोबरा लग रहा है, देखो कितना जहरीला सांप है। बाय चांस इस किसान भाई को इसने काट लिया होता तो बहुत महंगा गिरता था। देखो कोबरा स्नेक है, स्पेक्टिकल कोबरा। ये किसान भाई जब तूर की खेती को पानी छोड़ रहा था तो उसको पानी छोड़ते वक्त उसको उस सांप ने ऐसा ढस आवाज़ कर मतलब उसको इशारा कर रहा था कि, तो उस किसान भाई कौन सी आवाज़ है इसके लिए नहीं देखा, उसने ऐसा ही नज़रअंदाज़ा कर दिया। तो अभी उसने अचानक से उसको नज़र आया तो अब उसको स्नेक में दिख गया। तो उसने तुरंत मुझे कॉल करके रेस्क्यू के लिए बुलाया। तो हम आए हैं, अभी इसको कैच किया है हमने। देखो इस समय में मतलब बारिश ख़त्म होने में ठंडी शुरू होता है तभी स्नेक मतलब स्नेक के बेबी ज़्यादा मिलते हैं। देखो ये कोबरा स्नेक है, ये जो स्नेक है ये बच्चा है, स्नेक का बच्चा है, तकरीबन ये 1.5-2 फीट के आसपास है। देखिए कितना जहरीला है और कितना काटने को ट्राई कर रहा है। इस तरह किसान भाइयों, थोड़ा संभाल कर खेतों में काम किया करो। देखिए कितना स्फुर्तीला है। बाय चांस किसी को काट लिया तो किसान भाइयों तुरंत हॉस्पिटल जाए, मंदिर, जड़ी बाबा, किसी के पास ना जाए, नज़रअंदाजा ना करे, तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया तो अपनी जान बच सकती है। इस तरह ये नाग होता है, इसको इंग्लिश में कोबरा स्नेक कहते हैं और साइंटिफिक नेम में नाजा नाजा कहते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।